अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तवाफ़ के पहले चक्कर में ये दुआ पढ़ें, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी और सलामती का सवाल करता हूँ और दायमी हिफाजत का और दोजख से नजात का। दूसरे चक्कर में ये दुआ पढ़ें, ए अल्लाह हमारे लिए ईमान को मज़बूत बना और हमारे दिलों को मज़ीन कर दे और कुफर और बदी और नाफरमानी से हमारे दिल हटा दे और हमें हिदायत पाने वालों में शामिल फरमा। तीसरे चक्कर में ये दुआ पढ़ें, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शक और शिरक और नफाक से और बुरे हाल से और बुरे अंजाम से और तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र की आजमाइश से और ज़िंदगी और मौत की हर मुसीबत से। चौथे चक्कर में ये दुआ पढ़ें, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरी रहमत को वाजिब कर देने वाले आमाल का और मगफिरत का और गुनाहों से सलामती और हर नेकी से फ़ायदा उठाने का और जन्नत पाने और दोजख से बचने का। पांचवें चक्कर में ये दुआ पढ़ें, ए अल्लाह जिस दिन तेरे अर्श के सवा कोई साया न होगा उस दिन अर्श के नीचे साया देना और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से ऐसा ठंडा मीठा खुश जायका पानी पिलाना कि उसके बाद कभी प्यास न लगे। छठे तवाफ़ में ये दुआ पढ़ें, ए अल्लाह मुझ पर आपके बहुत हकूक़ हैं जो मेरे और आपके दरमियान हैं और मुझ पर मखलूक के बहुत हकूक़ हैं जो मेरे और उनके दरमियान हैं। ए अल्लाह जिनका ताल्लुक तुझसे है उसको माफ़ फरमा और जिनका ताल्लुक मखलूक से है तो उनका ज़िम्मेदार हो जा। और सातवें तवाफ़ में ये पढ़ें, ए अल्लाह मैं तुझसे ईमान कामिल यकीन सादिक रिज़्क़ वसी आजजी करने वाला दिल मांगता हूँ। ए मेरा रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा। तमाम चक्रों में रुकन यमनी पर पहुँच कर दुआ ख़त्म कर दें और उससे आगे बढ़ते हुए ये दुआ पढ़ें, ए अल्लाह दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा और अजाब दोजख से हमको बचा और नेक लोगों के साथ हमको जन्नत में दाखिल फरमा। ए बड़ी इज्जत वाले, ए बड़ी मगफिरत वाले, ए दो जहनों के पालने वाले, अगर तवाफ़ करते हुए हर तवाफ़ के लिए जो कलमात लिखे हैं अदा ना कर सकें तो पूरे तवाफ़ के दौरान आप एक दुआ पढ़ सकते हैं, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों वक़ीना अज़ाबन्नार पढ़ता रहे। या अपनी ज़ुबान से कहें, ए अल्लाह दुनिया और आखिरत में हमको भलाई अता फरमा और दोज़ख के अजाब से बचा।